हेलो थर्ड क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। यस यस, सो स्टूडेंट वेलकम बैक टू द वीडियो क्लास एट लिटिल इंडियन स्कूल एट होम, एंड दिस इज़ पूनम भाटी फ्रॉम लिटिल इंडियन स्कूल। स्टूडेंट्स, एवरी डे यू वुड बी अटेंडेड द वीडियो क्लासेज एंड लर्न दैट टॉपिक एंड ऑल्सो विच प्रैक्टिस दैट टॉपिक विच आई डिस्कस इन दिस वीडियो क्लास, राइट? Make sure that you have your computer textbook and other material, computer laptop with you with all the time while attending the video class for your practice, right? So please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes, you are very good students. So let's get start. Today we are going to cover the day 1 for your chapter number 5. Today we start the chapter number 5. We start the chapter number 5 today. Yes, because we already covered till chapter number 4 in the last video classes, right? हम last video classes में अपने chapter number 4 complete कर चुके हैं with exercise. आज हम chapter number 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम डे 1 कवर कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्ट। दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर 5 नेम इज एडिटिंग इन एमएस पेंट। यू ऑलरेडी लर्न अबाउट व्हाट इज एमएस पेंट, ओके, इन द लास्ट वीडियो क्लासेस, दैट मींस द चैप्टर 4 वीडियो क्लासेस। आप चैप्टर नंबर 4 की वीडियो क्लासेस में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि एमएस पेंट क्या होता है, क्या क्या उसमें टूल होते हैं और कैसे उसमें काम किया जाता है। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडिटिंग, कि हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं अपने एमएस पेंट के अंदर, राइट? सो इन दिस चैप्टर लॉट्स ऑफ टॉपिक योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक हैज़ बीन कवर्ड, like 1-3 topics are covered. Okay, so let's start, let's see which topic will be covered in this chapter. Okay, so let's start with the chapter editing in MS Paint, right? Students, these are 3 topics. Your computer textbook has been covered 3 topics, and we will learn about select tool using clipboard and emails tool. These 3 topic has been covered in the chapter number 5 videos, right? 1-1, day 2, day 1, day 2, day 3 videos, we will cover these 3 topic. Okay, so before we describing this topic, I want to show one activity. That means your computer textbook in chapter number 5 activity, first activity, which is based on chapter number 4. Okay, so let's start. This is the activity of chapter number 5, which is based on chapter number 4. Okay, ये chapter number 5 की activity है, first activity है, first page पर, chapter number 5 के first page पर ये activity है, लेकिन ये एक्टिविटी आपकी चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द टूल एंड फिल इन द बॉक्सेस टू राइट देयर नेम्स, ओके? तो आपको ये पिक्चर्स देखनी है सबसे पहले, कि ये कौन सी पिक्चर्स हैं, फिर अकॉर्डिंग टू दीज पिक्चर्स आपको इनके नेम गिवन बॉक्सेस में पुटअप करने हैं, राइट? So let's start with first. First is, have you seen first picture? क्या लग रहा है? Yes, in the last video classes हमने बताया था chapter number 4 में कि ये picture, ये icon किस लिए use किया था? Pencil के लिए. We have to write here. Right? Pencil. Now second is, क्या दिख रहा है आपको second picture में? Brush. Okay, now third is line. Okay, and fourth is rectangle. Rectangle tool hai ye.
स्टूडेंट्स, बिफोर वी कवर द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट इज़ द सेलेक्ट टूल, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू वट इज़ द एडिटिंग. ओके, आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू दैट वट इज़ द एडिटिंग, बिकॉज वी लर्न अबाउट द फिफ्थ चैप्टर एंड योर फिफ्थ चैप्टर इज एडिटिंग इन एमएस पेंट. तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी नो अबाउट दी एडिटिंग. ठीक है, एडिटिंग होती क्या है? सो लेट्स स्टार्ट. एडिटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन एमएस पेंट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है एमएस पेंट में. मेकिंग चेंजेस इन एन इमेज इज कॉल्ड एडिटिंग ए पिक्चर. यू नो वेरी वेल, इफ आई वॉन्ट टू चेंज माई पिक्चर देन आई टोल्ड यू डेट I want to edit my picture. So editing is a changes in an image. ठीक है, so making changes in an image is called editing a picture. जो हम pictures में changes करते हैं वो हमारी editing होती है. ठीक है, हमने pictures को edit किया, right? We need to select an image or its part to edit in MS Paint. हमको क्या करना है, हमें वो इमेज सेलेक्ट करनी है, वो पार्ट सेलेक्ट करना है एम एस पेंट में जो एडिट करना है. ठीक है, तो दिस इज़ डन यूजिंग द सेलेक्ट टूल. तो ये किसके साथ होता है? सबसे पहले सेलेक्ट पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टूल के साथ ही ये पॉसिबल है. तो लेट्स लर्न मोर अबाउट सेलेक्ट टूल. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज सेलेक्ट टूल. सेलेक्ट टूल, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड प्रीवियस स्लाइड कि हमें अपनी एम एस पेंट में जब पिक्चर्स एडिट करनी है तो वी नीड टू सेलेक्ट द पिक्चर्स. ठीक है, वी नीड टू सेलेक्ट द इमेजेस. तो दिस सिलेक्शन इज डन बाय सेलेक्ट टूल. ठीक है, तो सेलेक्ट टूल आपकी इमेजेस को सेलेक्ट करता है जिसे आपने एडिट करना है. तो लेट्स लर्न मोर अबाउट द सेलेक्ट टूल. सेलेक्ट टूल is used to select whole or a part of an image that we want to edit. Select tool हमारा use किया जाता है या तो complete यानी कि whole images को, यानी कि एक image रखिए उस पूरी image को आया तो आप select करोगे, या फिर उसका कुछ remaining कुछ part, कुछ simple एक small part भी आप select कर सकते हो उस image का जिसे आपको edit करना है, जिसमें आपको कुछ changes मेकिंग चेंजेस करनी है, राइट? सो सेलेक्ट टूल इज यूज टू सेलेक्ट होल और ए पार्ट ऑफ द इमेज दैट वी वॉन्ट टू एडिट. सेलेक्ट टूल क्या होता है? सेलेक्ट टूल यूज किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए. क्या सेलेक्ट करने के लिए? आपकी या तो होल इमेज को सेलेक्ट करने के लिए जो आपकी एम एस पेंट में है, या फिर उसके कुछ पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए जिस इमेज को आपने एडिट करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स, देयर आर टू सिलेक्शन टूल इन द इमेज ग्रुप. ओके, ऑफ द होम टैब ऑफ पेंट स्क्रीन. व्हेन यू ओपन द पेंट स्क्रीन देन यू हैव टू सीन दैट इन द होम टैब टू सिलेक्शन टूल आर गिवन टू यू. ठीक है, जब आप पेंट की स्क्रीन को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो होम टैब है, ठीक है, पूरे अपर राइट अपर कॉर्नर में होम टैब होता है, उसके अंदर दो सिलेक्शन टूल दिए होते हैं. फर्स्ट सिलेक्शन टूल इज़ द रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल एंड सेकेंड सिलेक्शन टूल इज़ द फ्री हैंड सिलेक्शन टूल, राइट? तो देयर आर टू सिलेक्शन टूल इन द इमेज ग्रुप ऑफ द होम टैब ऑफ पेंट स्क्रीन. फर्स्ट सिलेक्शन टूल इज द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल विच इज शेप इन रेक्टेंगल. ठीक है, आपका रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल है जो इस शेप में दिया होता है. आपको होम टैब में नेम भी दिया होगा, लेकिन साथ में आपको सिलेक्ट फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके का एक शेप देंगे, डॉटेड रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल. ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन टूल है. सेकेंड सिलेक्शन टूल इज द सेकेंड सिलेक्शन टूल इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल इज लुक लाइक दैट. कोई शेप नहीं होती है, फ्री फॉर्म में होता है.
दो सिलेक्शन टूल हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए अपने इमेज को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि होम टैब में होता है। फर्स्ट इज द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, ओके, विच इज लुक लाइक एज ए रेक्टेंगल बॉक्स, ओके, एंड सेकेंड इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल विच इज लुक लाइक एज फ्री फॉर्म, राइट। These are two selection tool which is used to select your image and which are present in home tab, right? Now let's learn about first tool, that is the rectangular selection tool. Hum first टूल के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। सो हाउ टू यूज दिस रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, सो दिस देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स, राइट। सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल होता क्या है? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। जो भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्ट होगी जब आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं, राइट। व्हेन यू यूज द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, तो योर ऑब्जेक्ट इज सिलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, राइट। तो फॉर दिस You have to follow some step to use the rectangular selection tool. तो आपको rectangular selection tool use करने के लिए आपके कुछ steps होते हैं, you have to follow these steps, right? So the first step that you have to follow is draw the picture as shown alongside. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक picture draw करनी है आपके अपने MS Paint में। तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द पिक्चर्स एज शोन एलोंग साइड। तो हैव यू सीन दैट, क्या आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया एंड दिस पिक्चर इज लुक लाइक इज अ फेस। मैंने एक फेस ड्रॉ कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पेंट एप्लीकेशंस, ओके। कुछ हमने शेप्स एंड टूल्स को यूज़ करके जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो क्लासेस में पढ़ाए हैं, लाइक सर्कल शेप्स, लाइक लाइन शेप्स, कर्व शेप्स, ठीक है, इनको यूज़ करके मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करी है, राइट। अब मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करी, तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द पिक्चर एज शोन अलोंग साइड, राइट। ये पिक्चर ड्रॉ करी, आफ्टर यू ड्रॉ द पिक्चर, जब आपने पिक्चर ड्रॉ कर दी, देन You have to follow second step. Second step is click on the select tool in the image group. तो आप देख सकते हैं आप फाइल में select tool दिया हुआ है, select tool is here, okay. So you have to click the select tool in the image group. आपको image group में select tool को select करना है, right? You have to click on the select tool in the image group. When you click the select tool, okay, in the image group, so two selection tool are available. Rectangular selection tool and the free form selection tool. So you have to select the rectangular selection tool because I use the select rectangle selection tool. So you have to select the rectangle selection tool from the drop down list. तो जब आप इसे select करेंगे तो यहाँ पर एक drop down list आएगी, तो उसमें आपको rectangle selection tool select करना है, like this, okay? जब आपने selection tool को select किया तो इस तरीके की आपको एक drop down list show होगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से देखिए आपके पास दो सिलेक्शन टूल रखे हैं, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, मैं जूम करके दिखा देती हूँ, हैव यू सीन दैट, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, दिख रहा है आपको? तो अभी हम रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल कर रहे हैं, राइट। तो यू हैव टू सिलेक्ट द रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल फ्रॉम हेयर,
select the rectangle selection tool from the drop down list, right? This is the drop down list and you have to select the rectangle selection tool, right? When you select the rectangle selection tool, then one rectangle dotted box will be appear on your paintbrush. Then, okay? So then you have to follow the third step. Click and hold the left mouse button to begin selection. Click and hold the left mouse button to begin selection. आपको left माउस बटन को क्लिक करके उसे होल्ड करना है आप जब अपनी सिलेक्शन स्टार्ट कर दें। तो आप जब सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे तो अगर सपोज यहाँ से आपने क्लिक किया और होल्ड किया तो जैसे ही आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा। सपोज आपको सिर्फ यही पार्ट सेलेक्ट करना है तो आप इस पार्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। The point where the mouse is clicked become, जो point आपने mouse को click किया वहाँ से becomes the point where the mouse is clicked becomes one corner of the rectangle selection area, ठीक है, one corner of rectangle selection area, तो आपका selection हो जाएगा इसमें। ड्रैग द माउस टू कवर द एरिया टू बी सिलेक्टेड। तो आपको क्या करना है, जहाँ से पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, वहाँ से आपको ड्रैग करना है और उस एरिया तक कवर करना है जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सपोज मेरे को कंप्लीट पिक्चर कवर करनी है सिलेक्शन पार्ट में, तो मैं पूरा कंप्लीट पिक्चर तक ही ड्रैग करूँगी, ठीक है। जब ड्रैग कर दूँगी, जब कंप्लीट पिक्चर आपकी ड्रैग हो जाएगी, ठीक है, कवर हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, तो आपको अपने माउस के बटन को रिलीज कर देना है, राइट। राइट दिस, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। रिलीज द माउस बटन वंस द सिलेक्शन इज कम्प्लीटेड। जब आपकी सिलेक्शन कम्प्लीट हो जाएगी तो आपने अपने माउस के बटन को रिलीज कर देना है, राइट। तो आपका जो पिक्चर का सिलेक्शन है वो कम्प्लीट होगा। तो इस तरीके से हम पिक्चर की सिलेक्शन को कम्प्लीट कर सकते हैं by using of rectangle selection tool. Rectangle selection tool के use करके हम आपकी pictures को select कर सकते हैं। आप either complete picture भी select कर सकते हैं और आप इस part simple इस part को भी rectangle boxes के use कर भी select कर सकते हैं। कोई भी part use करें, तो आप अगर आप इतना पार्ट लेंगे तो इतना पार्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने आईज लेना है तो आईज को इतना पार्ट करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। समझ में आया? तो दिस वन इज द सिलेक्शन बाय यूजिंग द रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, राइट। नाउ स्टूडेंट, टुडे वी फिनिश द सिलेक्शन, फर्स्ट सिलेक्शन टूल, दैट इज द rectangle selection tool. Now we will cover the next selection tool, that is the free form selection tool. We will cover in the next video class, right. Now it's time to homework. You have to learn all the steps for rectangle selection tool, right. So students, have a nice day, stay healthy, stay home, stay safe. Have a nice day. Bye bye. Thank you. Bye.